Hello everyone. Nowadays we are continuing the topic biotechnology principles and processes. In the last video, we have discussed about the tools of recombinant DNA technology. आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो उसका प्रोसेस है उस कंप्लीट प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे. ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो इसमें फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सबसे पहले हमें रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए डीएनए की रिक्वायरमेंट है, डीएनए के आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है. तो हम जो भी सेल है, बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उससे हम डीएनए को बाहर निकालेंगे. तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू सेल हम उस एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे. फॉर एग्जांपल, अगर बैक्टीरियल सेल से डीएनए को निकालना है तो हम लाइसोजाइम एंजाइम से ट्रीट करेंगे. अगर प्लांट सेल से डीएनए को बाहर निकालना है तो हम सेलुलेज एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे. अगर फंगाई की सेल से हमें डीएनए को निकालना है तो काइटिनेज एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे इनकी जो सेल वॉल है वो रप्चर हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए. उसके बाद में जो सेल का डीएनए है वो कल्चर में बाहर आ जाता है, लेकिन उस डीएनए के साथ में एडिशनली आरएनए एंड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाई जाती है. तो पहले हम आरएनए को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम या आरएनएज एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा. उसके बाद में प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे प्रोटीन पार्ट भी डाइजेस्ट हो जाएगा. और इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस होते हैं डीएनए के साथ में, उनको भी एप्रोप्रिएट एंजाइम से ट्रीटमेंट देकर डीएनए को प्योरीफाई कर लेंगे. अब उस कल्चर में जब हम चिल्ड इथेनॉल को, ठंडे इथेनॉल को ऐड करेंगे, तो डीएनए के जो फाइबर्स हैं वो थ्रेड्स के रूप में, फाइबर्स के रूप में एक साइड आ जाएंगे, जिन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए और जेनेटिक मटेरियल. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस. कल्चर के अंदर अब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम देंगे, जो कि डीएनए को उसके स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है. इसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम डीएनए को सेपरेट आउट कर लेंगे, डीएनए के जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट कर लेंगे. नेक्स्ट हम लेते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर. पीसीआर टेक्निक के द्वारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जो डिजायर्ड डीएनए है उसको एम्प्लीफाई करना, जैसे एक इंसुलिन को कोड करने वाला जीन है या किसी और हार्मोन या एंजाइम को कोड करने वाला जीन है, तो उसकी अब हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं. तो इसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसे हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. उस जीन की मल्टीपल कॉपी बनाई जाती है. तो किसी डीएनए या जीन की मल्टीपल कॉपीज या आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए हम पीसीआर टेक्निक को यूज करते हैं. पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो ये जो टेक्निक है ये कैरी मुलिस के द्वारा डेवलप की गई. यहां पर देखिए आप, इस टेक्निक के अंदर थ्री स्टेप हैं. फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन. सपोज करिए ये डीएनए का फ्रेगमेंट है जिसमें दो स्ट्रैंड है और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और पहले स्टेप में हम कल्चर में हीट देंगे. तो हीट देने पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की, ये ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने से दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे. तो फर्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन. सेकेंड स्टेप लेते हैं एनिलिंग. अब कल्चर के अंदर इसमें हम आरएनए प्राइमर्स देंगे, आरएनए प्राइमर्स देंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए स्ट्रैंड के. तो ये भी एक स्मॉल आरएनए प्राइमर है और ये भी एक स्मॉल आरएनए प्राइमर है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए के स्ट्रैंड के. अब इस कल्चर के अंदर हम एक तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देंगे. इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देंगे. अब इस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर हाई है, तो हमें एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो. तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस.
तो ये जो बैक्टीरिया है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी स्टेबल रहता है। तो इस बैक्टीरिया से हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्राप्त करेंगे और इस डीएनए पॉलीमरेज को हम टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं और ये हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देने पर एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स देने पर ये जो प्राइमर है ये पॉलीमराइज होगा, ये प्राइमर भी पॉलीमराइज होगा और ये कंप्लीट जो थर्ड स्टेप है ये है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में प्राइमर का पॉलीमराइज होने से कंप्लीट दो डीएनए के जो है फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। तो पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, सेकेंड है एनीलिंग एंड थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन। तो इस तरीके से एक जीन ऑफ इंटरेस्ट की दो कॉपी बन गई। अगर इस साइकिल को हम मल्टीपल टाइम रिपीट करें, 30 साइकिल 40 साइकिल रिपीट करें हम, तो हमें मिलियन बिलियन कॉपीज ऑफ जो डीएनए है वो मिल जाएगी। तो इस प्रोसेस के द्वारा मल्टीपल डीएनए की कॉपीज प्राप्त की जा सकती है और इस टेक्निक को हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर लेते हैं, देन उसके बाद में पीसीआर के प्रोसेस के द्वारा डिजायर्ड डीएनए को, डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज प्रिपेयर कर लेते हैं। अब इस डिजायर्ड जीन को हम प्लाज्मिड के अंदर कट लगाकर वहां पर लाइगेट करवाते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपेयर हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में या ऑर्गेनिज्म में। तो डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प के द्वारा अकॉर्डिंग टू द सेल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद में ट्रांसफॉर्म सेल को हम अलग अलग मीडिया के ऊपर प्लेटिंग करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर प्लाज्मिड के अंदर जो एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने वाला जीन है वो हमें हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म सेल को सेलेक्ट आउट करने के लिए। तो इस कंडीशन में जो जीन है एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने वाला वो एक सेलेक्टेबल मार्कर है जो हमें हेल्प कर रहा है ट्रांसफॉर्म सेल को आइडेंटिफाई करने में। देन नेक्स्ट स्टेप है ऑप्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, जब ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो सबसे पहले उन्हें लेबोरेटरी स्केल पर शिफ्ट कर देंगे। तो छोटे मीडिया के अंदर, छोटे कल्चर के अंदर हम उस जो सेल्स है, होस्ट सेल है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, उसको स्मॉल स्केल पर ग्रो करवाएंगे हम लेबोरेटरी कंडीशंस में। और लेबोरेटरी कंडीशंस में ग्रो कराने के बाद में अब उन्हें हम शिफ्ट करेंगे बड़े लार्ज वेसल्स के अंदर, लार्ज टैंक्स के अंदर जिनका जो वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर तक होता है। तो ऐसे लार्ज टैंक्स के अंदर, वेसल्स के अंदर हम उस स्मॉल स्केल के कल्चर को शिफ्ट करेंगे। ये जो लार्ज टैंक होते हैं जहां पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को प्राप्त किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट सेल के द्वारा या ट्रांसफॉर्म सेल के द्वारा जो प्रोटीन या हार्मोन बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट हार्मोन या रिकॉम्बिनेंट एंजाइम कहते हैं। तो ये जो टैंक्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल टैंक्स होते हैं, इनका वॉल्यूम 100 से लेकर 1000 लीटर तक होता है, इन्हें हम बायो रिएक्टर कहते हैं। और इन टैंक्स के अंदर अलग अलग पोर्ट होते हैं पीएच को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, सॉल्ट को रेगुलेट करने के लिए, कल्चर मीडिया को ऐड करने के लिए, और सैम्पलिंग पोर्ट भी होता है इनके अंदर, स्टेराइल एयर को सेंड करने के लिए कई सारे पोर्ट बने होते हैं। ये जो बायो रिएक्टर्स हैं ये टू टाइप्स के हैं, सिंपल स्टीरर टैंक बायो रिएक्टर एंड स्पार्ज्ड स्टीरर टैंक बायो रिएक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्टीरर टैंक बायो रिएक्टर, जिनका डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये मोटर है और ये लॉन्ग रोड है ये, जो कि रोटेट होती है, जिससे जो अंदर का कल्चर मीडिया है इसमें न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, ऑक्सीजन, ये सब इक्वली स्प्रेड होते रहते हैं। ये एसिड और बेस को कंट्रोल करने के लिए पीएच कंट्रोल का पोर्ट है ये। ये स्टीम है स्टरलाइजेशन के लिए। जब ये कल्चर एजिटेट होता है इस रोड के द्वारा, तो यहाँ पर झाग बनते हैं।
तो उन झाग को रिमूव करने के लिए ये फोम ब्रेकर ब्लेड्स हैं, ये फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर है, ये कल्चर मीडिया कल्चर ब्रोथ, और यहां से ये स्टराइल एयर भी यहां से भी सेंड की जाती है। तो इस तरीके से जो है इसमें जो मीडिया है जो कल्चर ब्रोथ है ये रोटेट होता है, जिससे न्यूट्रिएंट एंड जो गैसेज है वो इक्वली स्प्रेड होती है और जो डिजायर्ड सेल्स है वो मल्टीप्लाई होती है, इसका लार्ज बायोमास बनता है, और जब लार्ज बायोमास बनता है तो उससे लार्ज अमाउंट में डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बनता है, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरीके से सेकेंड जो टाइप है वो है स्पार्ज्ड स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ज्यादा सरफेस एरिया है ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए, गैसेस के ट्रांसफर के लिए, ये गैस एंट्रेनमेंट है, ये बबल्स बन रही हैं, बबल्स से भी ऑक्सीजन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज होता है। तो बबल्स क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए। तो ये स्पार्ज्ड स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर है। तो ये दो टाइप है जो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि बायोरिएक्टर क्या है और बायोरिएक्टर के टाइप्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो बायोरिएक्टर में अगेन रिपीट करता कर देता हूं, लार्ज टैंक्स होते हैं, लार्ज वेसल्स होते हैं सिलेंड्रिकल, जिनमें रिकॉम्बिनेंट जो सेल्स होती हैं, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स होती है, उनको लार्ज स्केल पर कल्चर करवाया जाता है, जिससे लार्ज बायोमास बनता है, और उनके मल्टीप्लाई होने से उनके अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया जीन है वो भी डिजायर्ड प्रोटीन या हॉर्मोन को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप लेते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि जब किसी बायोरिएक्टर के अंदर जो डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रिपेयर हो जाती है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, उसको सेपरेट किया जाता है, देन उसको प्योरीफाई किया जाता है, देन फिर उसकी मार्केटिंग की जाती है। तो इस सीक्वेंस को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूं, बायोरिएक्टर्स के अंदर डिजायर्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के बनने के बाद में उसको कलेक्ट करना, उसको सेपरेट आउट करना, उनका प्योरिफिकेशन करना, देन उनकी मार्केटिंग करना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कोई वैक्सीन या कोई हॉर्मोन या कोई ऐसी ड्रग बना रहे हैं जो कि एज ए मेडिसिन यूज होगी, तो फिर उसका क्लिनिकल ट्रायल भी किया जाता है, उनकी क्लिनिकल टेस्टिंग की जाती है कि वो कितने इफेक्टिव हैं, कितने इम्पैक्टफुल हैं, उसके बाद उनको प्रिजर्वेटिव के साथ में पैक करके फिर उनको मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। मैंने ऑलमोस्ट तीन वीडियो पहले बनाए थे और आज का वीडियो कंप्लीट हो गया है, फोर्थ वीडियो है ये, और चारों वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर किया है। आप इन चारों वीडियोस को देखिए और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।